पार्ट टू ऑफ द बीआरएस, हमने बेसिक थियरी अभी देखी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नाउ समरी ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले बीआरएस में कितनी कितनी सिचुएशन हो सकती है, हम स्टार्टिंग बैलेंस क्या हो सकता है, स्टार्टिंग बैलेंस केस बुक में ओपनिंग जब बैलेंस होगी तब डेबिट, वैसे पासबुक भी ओपनिंग बैलेंस होगी तो डेबिट लिखना है, मैं तो क्या देखना है बैलेंस यानी डेबिट एंड ओडी मींस क्रेडिट, ओडी मींस क्रेडिट। फिर सर्टेन ट्रांजेक्शंस आर ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, कई ट्रांजेक्शन सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस होता है, केसबुक में और पासबुक में आगे पीछे रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने बोला था कि एवरी टाइम जनरेटिव मर्चेंट की बुक में पास करना है पार्टी टू बैंक, हम चेक इश्यू कर रहे हैं मनी जा रहे हैं इसीलिए पार्टी टू बैंक, इसका इफेक्ट केसबुक में आ गया है क्योंकि जब आपने चेक आया था तो रिकॉर्ड करके बैंक में डाला था, रिकॉर्डेड इन केसबुक, केसबुक की बैलेंस से स्टार्ट करेंगे उसमें रिकॉर्ड है तो रिवर्स करना पड़ेगा डेबिट होगा, पासबुक की बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसीलिए बैंक क्रेडिट होगा। डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, बैंक में डाला केसबुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, एंट्री ऑफ द बैंक टू पार्टी, केसबुक से स्टार्ट किया है इफेक्ट आ गई है इसलिए रिवर्स यानी क्रेडिट, पासबुक से स्टार्ट किया है इफेक्ट बाकी है इसलिए डेबिट, और डायरेक्टली डिपोजिटेड, डायरेक्टली डिपोजिटेड में डायरेक्ट बैंक टू पार्टी, पासबुक इफेक्ट आया है बैंक में बाकी है इसीलिए बैंक डेबिट, पासबुक से स्टार्ट करते हो तो रिवर्स करो क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंडिचर बैंक ने पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू लाइक हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सब्सक्रिप्शन पेड एक्सेट्रा, कोई भी एक्सपेंडिचर बैंक ने पे किए हैं आपको मालूम नहीं है, एंट्री क्या होगी पार्टी टू बैंक, पासबुक में इफेक्ट आ गई है केसबुक में इफेक्ट बाकी है, केसबुक में इफेक्ट है वो बाकी है इसीलिए क्रेडिट, पासबुक से स्टार्ट कर दो तो रिवर्स करना है डेबिट करना है, डेबिट आपको करना है। ये हमने एग्जांपल दिए टाइमिंग डिफरेंस के, फ्रेंड्स टाइमिंग डिफरेंस के बाद एरर्स, सबसे पहले केसबुक का क्रेडिट साइड आपने अंडरकास्ट है यानी कम बैलेंस लिया है, अंडरकास्ट यानी टोटल कम लिया है, अंडरकास्ट यानी टोटल कम लिया है, क्रेडिट साइड कम लिया है तो आप क्रेडिट साइड लिख दो, क्रेडिट साइड ज्यादा लिया है तो रिवर्स कर दो, डेबिट साइड आपने कम लिया है तो डेबिट साइड लिख दो, डेबिट साइड आपने ज्यादा लिया है तो रिवर्स कर दो। एरर्स में एक चीज याद रखो, जिस बुक से स्टार्ट किया है उसमें बाकी है तो लिख दो, उसमें लिख दिया तो रिवर्स कर दो, यहां सब केसबुक में अंडरकास्ट लिख दिया ओवरकास्ट रिवर्स किया, केसबुक से स्टार्ट किया था वो तो इजी है, अंडरकास्ट सेम साइड ओवरकास्ट रिवर्स साइड, और पासबुक में उल्टा इफेक्ट आएगा, केसबुक में अंडरकास्ट सेम साइड ओवरकास्ट रिवर्स साइड, लेकिन पासबुक की बैलेंस से स्टार्ट किया है और केसबुक में अंडरकास्ट हुआ है तो अंडरकास्ट रिवर्स साइड आएगा, यानी अंडरकास्ट है ना क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है तो डेबिट आएगा, डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो क्रेडिट आएगा, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो ओवरकास्ट में डायरेक्ट गिले समझी में, डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो डायरेक्ट गिले समझी में, डेबिट कर रहा हूं फेसबुक में अंडरकास्ट है तो सेम साइड, ओवरकास्ट है तो रिवर्स साइड, पासबुक में ओवरकास्ट है तो सेम साइड, अंडरकास्ट है तो रिवर्स साइड, तो हम क्या बोलते हैं इसको PUR, पासबुक अंडरकास्ट रिवर्स साइड, पासबुक ओवरकास्ट सेम साइड, पासबुक में अंडरकास्ट तो रिवर्स साइड, ओवरकास्ट तो सेम साइड।
जनरली फेसबुक में कोई मिस्टेक करते नहीं हो, फेसबुक से स्टार्ट करते हो थंडरकास्ट सेम ओवरकास्ट दिवस वो लिख ही देते हो, पासबुक से स्टार्ट करते हो तो मिस्टेक करते हो, अंडरकास्ट है तो रिवर्स, क्रेडिट अंडरकास्ट डेबिट, डेबिट अंडरकास्ट क्रेडिट, ओवरकास्ट सेम साइन डेबिट का डेबिट क्रेडिट का क्रेडिट। दूसरा लॉजिक, फेसबुक में हमने क्रेडिट साइड कम लिखा उसका मतलब आपका बैलेंस ज्यादा आया है तो फेसबुक में कम कर दो, फेसबुक में अंडरकास्ट आपने कम लिखा तो फेसबुक में बैलेंस कम आई है, फेसबुक में बैलेंस अंडरकास्ट कम लिखा ज्यादा आई है, लेकिन पासबुक में तो कम आई होगी तो पासबुक से स्टार्ट किया है आपको अंडरकास्ट है तो आपको रिवर्स करना है, बैलेंस बढ़ाना है, बैलेंस आपको बढ़ाना है। एटलेस मेथड से भी सोच सकते हो वरना ये फॉर्मूला बेस है वो इजी रहेगा, अंडर रिवर्स ओवर है वो सेम है। नाउ नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बैंक कॉलम में लिख दिया यानी फेसबुक की मिस्टेक है, फेसबुक ने डेबिट रॉन्ग किया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट रॉन्ग किया है तो रेक्टिफाई करो क्रेडिट करो। डिस्काउंट रिसीव्ड वो बैंक कॉलम में लिख दिया, क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिया तो रिवर्स करो डेबिट रेक्टिफाई करो, फेसबुक जिस बुक से स्टार्ट किया उसी बुक में मिस्टेक है तो रेक्टिफाई, उसी बुक में मिस्टेक है तो रेक्टिफाई, लेकिन पासबुक में फेसबुक में आपने डिस्काउंट अलाउड किसी का बैंक कॉलम में लिखा है बैलेंस ज्यादा आया है, लेकिन पासबुक में तो आपका बैलेंस कम हुआ होगा तो पासबुक में तो आपको बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। सेम वे डिविडेंड इनकम है, सॉरी डिस्काउंट इनकम है वो क्रेडिट से लिखा आपने, इसीलिए आपका जो फेसबुक का बैलेंस है रिसीव्ड इन बैंक कॉलम में आपने लिखा है, फेसबुक का बैलेंस ज्यादा आ गया तो कम कर दो, इनकम साइड का आपका रॉन्ग इफेक्ट था, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है वो क्रेडिट आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपने क्रेडिट नहीं किया, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि क्रेडिट यानी पेमेंट, बैंक का क्रेडिट यानी पेमेंट, बैंक का क्रेडिट यानी पेमेंट, बैंक का डेबिट यानी रिसीव्ड, बैंक में क्रेडिट से भी लिखते हो तो आपका बैलेंस कम हो जाता है, बैंक में बैंक कॉलम में क्रेडिट से भी लिखते हो तो बैलेंस आपका कम हो जाता है, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा था आपका बैलेंस कम हो गया था, बैलेंस बढ़ा दिया। और पासबुक से जो आपने स्टार्ट किया उसमें तो वो मिस्टेक नहीं हुआ था, बैलेंस ज्यादा था इसीलिए फेसबुक आपको बनना था इसलिए आपने बैलेंस को रिड्यूस किया, बैलेंस को आपने रिड्यूस किया, जिस बुक से स्टार्ट किया उसमें मिस्टेक है तो रेक्टिफाई करो रिवर्स करो, लेकिन जिस बुक से स्टार्ट किया उसके सामने वाले बुक में मिस्टेक है तो डायरेक्ट इफेक्ट दे दो, तो डायरेक्ट आप इफेक्ट दे दो। डिस्काउंट रिसीव्ड है वो फेसबुक में बैलेंस रिड्यूस कर दिया था, पासबुक में नहीं किया था तो पासबुक से स्टार्ट कर रहे तो बैलेंस आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगेन बैंक ने आपको रॉन्गली डिपॉजिट दिखा दिया, बैंक ने आपको डिपॉजिट दिखा दिया फेसबुक से स्टार्ट किया तो फेसबुक में तो इफेक्ट नहीं दिया है, फेसबुक में इफेक्ट दे दो, मिस्टेक पासबुक का है स्टार्ट फेसबुक से किया तो बैलेंस बढ़ा दो, लेकिन पासबुक से स्टार्ट किया होता तो बैलेंस कम कर दो, मिस्टेक को रेक्टिफाई करो, मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। अगेन रॉन्गली विड्रॉ बता दिया, रॉन्गली विड्रॉ बताया तो उतना फेसबुक में बैलेंस ज्यादा होगा, पासबुक में बैलेंस कम होगा, फेसबुक में बैलेंस है वो ज्यादा है तो जब आप रॉन्गली विड्रॉ करते हो तो फेसबुक है उसमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने आपको विड्रॉ दिखा दिया, हमने फेसबुक पर कुछ किया नहीं है, फेसबुक से स्टार्ट करना है हमें भी बैलेंस रिड्यूस करना पड़ेगा, और पासबुक से स्टार्ट करना है तो बैंक ने रॉन्गली किया है उसको रिवर्स करो बैलेंस बढ़ा दो, तो टाइमिंग डिफरेंस में जनरल एंट्री इजी रहेगी, तो एरर्स है ना वो एरर भी आपको जिस बुक से स्टार्ट किया है उसकी एरर तो रेक्टिफाई करना है, सामने वाले की एरर है हमें भी उसके जैसा बनना है, हमें भी एरर का इफेक्ट दे देना है। थैंक यू वेरी मच।